कॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना में छात्रों के व्यक्तिगत विकास और करियर मार्गदर्शन के लिए ब्रेन वंडर्स यूएस पेटेंटेड डीएमआईटी विश्लेषण की शुरुआत के साथ बिहार में शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत की है। वहीं नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना के युवा दिमागों का पोषण करने और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक जीने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए पुरस्कार विजेता आकलन और ब्रेन वंडर्स की टीम को शामिल किया गया है। इसलिए अलग है कि हम लोग उस तो बेसिक कोविड के टाइम से क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या प्रॉब्लम पेरेंट्स और समाज को फेस करना पड़ा, वो बड़ी चुनौती है। तो अभी से हम लोग, अभी उसके बाद हम लोग हर दिन हर लेसन ऐसे दिया जाता है कैसे हम सामना करें मुसीबत, क्योंकि कभी कभी ऐसे हुआ, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मेरे घर में ये घटना हुआ, उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जा रहा है, वो कुछ पढ़ाई के प्रति हो कुछ करने के लिए उसको मन नहीं लगता है। तो ऐसे नौ तो आगे भी कुछ भी हो सकता है, कौन जानता है कि आगे क्या है। तो अभी से उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, उसकी तैयारी करते हैं हाउ टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसको कैसे सामना करना है। उसके बाद उसकी अभी से शुरू करते कि बेटा ये चीज़ सोए दिखते हो वो सब आज अपने पास में है, वो कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसको आप कैसे फेस करेंगे लाइफ में। लाइफ में हारने के लिए नहीं, लाइफ को एकदम चैलेंज रूप में लेना पड़ता है। प्रॉब्लम्स आ जाएंगे उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसकी तैयारी। दूसरी चीज़ है कि हम लोग अर्ली राइजिंग इसलिए बोले कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सभी लोगों को पता है कि प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो अभी से उसको हम इंजेक्ट कर दे रही है, इन्फ्यूज कर दे रहे हैं, ये क्वालिटी आपको करना है। कल की आज कोविड के हैं, कल कौन जानता है, तो उसकी अभी से तैयारी करें। तीसरा हम लोग ये बोलते हैं कि तुम लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते ना स्कूल में, कोई भी फंक्शन में किसी भी तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स अलाउड नहीं है, ताकि मैं उसको धीरे 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 बताते जाएंगे तो शायद उसके मन में ये आ जाए। हम लोग को पता है, हम लोग बचपन से जोड़ी जोड़ी यस पापा ऐसे ही बोल देते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं, अपने एकदम हैबिट में हो जाए। हैबिट करने के लिए डेली हमारी असेंबली ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन इसलिए करा जा रहा है कि पेरेंट्स को पता चले उनकी बच्चे की परफॉर्मेंस कैसे है। क्लास वाइज हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना, क्लास की टर्म आ जाएंगे रोल नंबर वाइज, ऐसे है कि आज मंडे है रोल नंबर 1 to 10 का होगा तो नेक्स्ट डे ऐसे हो जाएगा, ताकि सभी को स्टेज मिले और ये फियर होता है माइक फियर खत्म हो जाए, ताकि कल आप लोग का जैसे ऐसे मीडिया का पर्सनल होने के लिए उतनी होना चाहिए। और ये भी है कि आपको पता है आज की कॉम्पिटिशन इतने GED होते हैं और हाउ इंटरव्यू में क्वालिफाई करना मुश्किल होता है, तो उसकी तैयारियाँ हम लोग करवा देते हैं। और हर दिन एक टीम बेस्ड परफॉर्मेंस होता है, जुम्बा होता है और एक्सरसाइजेस होती है, ताकि पूरी तरह से वो स्वस्थ रहे। हमें पता है जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता। इसके अलावा हम लोग की जो सर ने बता दिया है रक्षा सेवा शिक्षा, तो इसकी हमारी हर प्रोग्राम इसी बेस्ड में होता है, ताकि बच्चे को बताते हैं कि मॉडर्निटी किस आत्मा भागते हैं, तो वो ये कि हमारी रूट में रह जाए, रूट में रह करके नई चीज़ को अपना ले लेकिन रूट को नहीं छोड़े। ये भी बता देते हैं कि हम लोग बच्चे को माँ बाप को प्रणाम।